Kinder, ne? Meine Familie. आज आपने पता है पूरे प्रदेश में ये जो मूवमेंट है जेजेपी और बीजेपी का, ये अपना विश्वास, लोगों का विश्वास करके लोगों ने इसको बनाया था। आज लोगों की नज़रों से ये गिर चुके हैं, लोगों की नज़रों में उनका विश्वास खत्म हो चुका है। इसके लिए आज हम विश्वास लेके आए, विश्वास प्रस्ताव लेके आए। देखिए, चाहिए किसान की बात, जिस किसानों ने इनको वोट दी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले नारा देते थे कि भी हम MSP लागू करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, आज हमारे प्रदेश के किसान और देश के किसान पंजाब के भाई हरियाणा में नहीं जा सकते, हरियाणा के भाई दिल्ली में नहीं जा सकते, रोडों पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही हैं, रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, किसानों पे झूठे 307 के मुकदमा जींद के अंदर लगाए जा रहे हैं। तो ये किसान का विश्वास इनके प्रति खत्म हो चुका। युवाओं की जो बात थी, जो युवाओं की 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करते थे, आज सबसे ज़्यादा देश में अगर कोई बेरोजगारी में अगर नंबर 1 है तो हरियाणा है। तो इन्होंने हरियाणा के युवाओं का विश्वास खत्म किया। आज देश में अग्निवीर के नाम से, पहले मैं आपको बता दूं, करीबन हर साल हमारे 5500 लड़के फौज में भर्ती होते थे, पर अग्निवीर का नाम देकर आज 950 की एवरेज साल के अंदर हरियाणा की आई है। तो इन्होंने युवाओं का विश्वास खत्म किया। कर्मचारी, जो कर्मचारी वर्ग था, आज रोडों के ऊपर कर्मचारी वर्ग मेरे हिसाब से 9.5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई धरना प्रदर्शन कर्मचारियों का हुआ, चाहे वो टीचरों का था, चाहे गैस टीचर का था, चाहे रोडवेज का था, चाहे कंडक्टरों का था, चाहे वो अपने पटवारियों का था, अनेकों महकमे ऐसे थे जिनका इन्होंने दिल तोड़ने का काम किया, जिनकी मांगे इन्होंने ना मांगने का काम किया। तो इन्होंने कर्मचारियों का भी ऐसे विश्वास मत किया। उसके बाद ये खेल और खिलाड़ी की बात करते थे, आपने देखा, देश ने देखा किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को, खिलाड़ियों को जो सम्मान की बात करते थे, खिलाड़ियों को किस प्रकार से जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा घसीटा जा रहा था, जो इनके बीच ये जो BJP के लोग थे, किस प्रकार से उन बेटियों के प्रतीक जो जो या बर्दा भाषा यूज कर रहे थे, तो इन्होंने खिलाड़ियों का विश्वास खत्म किया। उसके बाद ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, प्रदेश के अंदर महिला कोच जो हमारी बेटी थी और आपकी सबकी हमारी बहन बेटी थी, जो महिलाओं का सम्मान की बात करते थे, महिला कोच ने पूर्ण रूप से मंत्रियों पर FIR लॉज तक की हुई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बेटियों पर बलात्कार के केस हुए, अत्याचार हुए, तो इन्होंने बेटियों का भी विश्वास इन्होंने ख़त्म करने का काम किया। उसके बाद जो मिडिल बिजनेसमैन थे, जिन्होंने आज की थी कि BJP की जो JJP की गवर्नमेंट बनी है ये कुछ बिजनेस को बढ़ावा देगी, तो मिडिल बिजनेसमैन को इन्होंने मारने का काम किया। लास्ट एक चीज़ और कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो SC BC और BPL परिवारों की बात करते थे, आज आप इस प्रदेश के अंदर लाखों लोग PPP के तहत इन्होंने लाखों लोगों की पेंशन काटने का काम किया, लाखों लोगों के BPL कार्ड काटने का काम किया। तो ये गवर्नमेंट हर तरीके से फेल है, इसलिए जो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि जनता की आवाज़ को, देखिए पास हो या ना हो तो है, पर हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो है इस विश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, हमने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से इसको पूर्ण तरीके से उठाएंगे और देखेंगे कौन कौन पक्ष और विपक्ष के लोग कितने इसके पक्ष में हैं और कितने किसान के खिलाफ हैं, कितने युवाओं के खिलाफ हैं, कितने खिलाड़ियों के खिलाफ हैं, कितने BPL SC BC के भाइयों के खिलाफ, ये आप सबके आप कल परसों 22 को जब होगा आपके सामने होगा। देखिए, अमेठी के अंदर आधारशिला प्रधानमंत्री जी रख के गए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी और देश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, ये 2016 का कितने साल के बाद, जब 15 दिन के बाद इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं, तो ये आज आधारशिला इन्होंने रखी है। इससे पहले मैं बिनौला के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गए थे मनमोहन सिंह जी, और पैसा मंजूर हुआ, वो काम आज तक नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये जो गवर्नर साहब का एड्रेस था, ये बिल्कुल वही लिखा पढ़ा जो एक होता है वही था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। धन्यवाद।